हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और न्यू टेस्ट का, न्यू फ्लेवर का मटन की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बंगाली स्टाइल मटन है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 4 से 5 लहसुन की कली, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 कप दही डाल के इसका बहुत ही फाइन पेस्ट हमें रेडी करना है। यहाँ पे मैंने 1/2 kg मटन लिया है, इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है इसको इसमें डाल देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि सारे मटन अच्छे से कोट हो जाएं इस मसाले में, और उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए हम रख देंगे। यहाँ पर मैं 5 से 6 तेज़पत्ता ली हूँ, इसको एक के ऊपर मैं एक लगा रही हूँ। अच्छे से इसको सेट करना है और फिर उसके बाद मैं एक सीज़र, एक कैंची के साथ मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लूँगी, क्योंकि इसमें जो ये ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें ऐसे छोटा छोटा करके पड़ता है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको बारीक काटने के बाद इसको अच्छे से क्रश करना है ताकि इसका एक एक पार्ट जो है ना वो अलग हो जाए, ताकि अच्छे से हमारी प्याज कैरमलाइज्ड हो सके। यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, इसको गरम करेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो बघार होगा वो लाल मिर्च का ही होगा। इसमें हम 4 से 5 लाल मिर्च डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे, आप कोई मसाले आप कभी भी डाल सकते हैं इसमें, 7 से 8 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक और 3 से 4 छोटी इलायची डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हल्का सा, ताकि इसका फ्लेवर स्मेल ऑयल में आ जाए, तेल में आ जाए। और ये जो हमने अनियन पहले से क्रश करके रखी हुई है इसमें इसको ऐड करेंगे और एक बहुत ही अच्छा सा मिक्स इसका देंगे हम। और इसको हमें अब तब तक पकाना है जब तक हमारी प्याज बिल्कुल रेड ना हो जाए, कैरमलाइज ना हो जाए। यहाँ पर मैं 7 से 8 लहसुन की कली ली हूँ, 2 इंच के अदरक का टुकड़ा, 12-13 से 14 हरी मिर्च और पानी डाल के इसका भी एक फाइन पेस्ट हमें रेडी करना है। ये देखिए हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से कैरमलाइज्ड हो गई है, रेड हो गई है। अब हमारी जो पेस्ट हमने रेडी किया है इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अब बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन इसमें से बिल्कुल चला ना जाए। तब तक हम दूसरा मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको पानी डाल के एक अच्छा सा हमको लिक्विडी वाटरी सा कुछ रेडी करना है, और बिल्कुल वाटरी होगा, ये लम्स नहीं होने चाहिए। और इसको मिक्स करते हुए ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है, इसको हम इसमें डालेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमें 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया है हमारा मसाला, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे हम मैरिनेटेड मटन इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स देंगे। आप देख सकते हैं कि इसके सारे स्टेप बहुत ही डिफरेंट हैं। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कम नमक डाला था, ग्रेवी का भी नमक होना चाहिए, और 1/2 कप दही डाल रही हूँ और इसको फिर से अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब यहाँ पे मैं हॉट वाटर, गर्म पानी ऐड कर रही हूँ बॉयल आने के बाद। जब बॉयल आ जाए आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस पॉइंट पे, ताकि आप मटन उसमें गला सकें। लेकिन मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा पानी डालूँगी और इसको ढक करके तब तक पकाऊँगी जब तक ये अच्छे से गल ना जाए और अच्छे से भुन ना जाए, बीच बीच में चलाते हुए। ये देखिए हमारा मटन बहुत ही अच्छे से गल गया है और भुन गया है, आप इसका कलर देख सकते हैं कितना डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर आया है। जब ये ऐसा हो जाएगा तब हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। देसी घी बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी में। और इसको चलाएँगे और ये हमारा बंगाली कोशा मटन रेडी हो गया है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी, नान, कुलचा, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ढेर सारा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।